आप जानते हैं कि हमारे चक्रों में श्री राम बहुत महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए हैं। वो हमारे राइट हार्ट पर विराजित है। श्री राम एक पिता का स्थान लिए हुए हैं, इसलिए आपके पिता के कर्तव्य में या उसके प्रेम में कुछ कमी रह जाए तो ये चक्र पकड़ सकता है। सहयोग में हम समझ सकते हैं कि राम और सब जितने भी देवताएं हैं, जो कुछ भी शक्ति के स्वरूप संसार में आए हैं, वो अपना अपना कार्य करने आए। उसमें श्री राम का विशेष रूप से कार्य है। जैसे कि सोक्रेटिस ने कहा हुआ है कि संसार में बेनेवोलेंट किंग आना चाहिए, उसके प्रतीक रूप श्री रामचंद्र जी इस संसार में आए। सो वो पूरी तरह से मनुष्य रूप धारण करके आए थे। वो ये भी भूल गए थे कि मैं श्री विष्णु का अवतार, भुला दिया गया था। किंतु सर्व संसार के लिए वो एक पुरुषोत्तम राम थे कि बचपन का जीवन सब आप जानते हैं और उनकी सब विशेषताएं आप लोगों ने सुन रखी है। हम लोगों को सहयोग में ये समझ लेना चाहिए कि हम किसी भी देवता को मानते हैं और उसको हम कर अपना आराध्य मानते हैं, तो हमारे अंदर उसकी कौन सी विशेषताएं आई हुई, कौन से गुण हमने प्राप्त किए। श्री रामचंद्र जी के तो अनेक गुण हैं, क्योंकि तो पुरुषोत्तम थे। उनका एक गुण था कि वो जिस राजकारण को करते थे उसमें सबसे ऊंचा उन्होंने जन का मत रखा, न कि अपनी पत्नी या अपने बच्चे, इनका ख्याल किया। आजकल के हमारे घर राजकीय लोग, पॉलिटिशियंस इस चीज को समझ लें तो उनसे स्वार्थ ही निकल जाएगा, वो निस्वार्थ हो जाएंगे, धर्मपरायण हो जाएंगे। किंतु श्री राम की जो प्रतिमा है वही आज तक किसी ने भी अपनाने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टे उनके भजन जरूर गाएंगे, उनके नाम से बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन ये सब बना लेने से क्या श्री राम आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में उनका प्रकाश आ सकता है या नहीं, ये सिर्फ सहयोगी ही कर सकते हैं कि अपने अंदर बसे हुए श्री राम को अपने चित्त के प्रकाश में लाएं। वो अत्यंत निरपेक्ष थे, ऐसे तो सभी देवता लोग किसी भी पाप पुण्य से रहित होते हैं। कोई सा भी पाप जिसे हम पाप कहते हैं वो अगर करें तो वो पाप नहीं होता। जैसे श्री कृष्ण ने इतने लोगों को मारा, श्री राम ने रावण का वध किया, ये हमारे दुनियाई दृष्टि से हो सकता है कि पाप हो, किंतु परमात्मा की दृष्टि से नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने दुष्टों का नाश किया, इन्होंने बुराई को हटाया और इनको अधिकार है कि ये इस कार्य को करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। जैसे देवी ने राक्षसों को संहार किया, राक्षसों का संहार किया तो कोई कहेगा कि देवी ने ये पाप किया, किंतु उनका कार्य ही ये है कि वो राक्षसों का संहार करें और जो साधु हैं उन लोगों को संभालें। श्री रामचंद्र जी के जीवन में एक अहिल्योद्धार बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया क्योंकि उसके पति ने उसे शापित कर दिया था।
उस जमाने में भी कोई स्त्री अगर किसी भी तरह से वाम मार्ग में चली जाती थी तो उसका पति अगर साधु हो और उसकी स्थिति अगर ऊंची हो तो उसे शापित कर देता था। किंतु अहिल्या पर झूठा ही उन्होंने आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था, और इस तरह से उसको भी उन्होंने पत्थर बना दिया। तो श्री राम ने उस अहिल्या का भी उद्धार कर दिया। विशेषकर उनकी जो पत्नी के प्रति प्रेम की, एक पत्नी व्रत के प्रति जो एक उनका व्रत था वो बहुत समझ रहा है। हालांकि वो जानते थे कि सीता जी महालक्ष्मी स्वरूपा है, वो स्वयं देवी हैं, किंतु मनुष्य के रूप उन्होंने अपने पत्नी के सिवाय किसी और स्त्री के तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। जब हम राम की बात करते हैं तो हमारे अंदर जो पतित्व है वो भी हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अगर कोई स्त्री श्री राम के बारे में सोचती है तो उसको भी अपने पति के प्रति वैसी ही श्रद्धा होनी चाहिए जैसे सीता जी को अपने पति के प्रति थी, और उसी प्रकार पति को भी श्री राम जैसे एक पत्नी व्रत होना चाहिए। सहयोग में बात कठिन नहीं, स्त्री का मान रखना चाहिए, अपने पत्नी को मान से रखना चाहिए। और हालांकि रावण उनको उठा ले गए थे तो भी श्री राम ने ये कर्तव्य समझा कि सीता जी को वहां से छुड़ा कर लाए, और लोकनंदा के लिए जनमत को रखने कितना उनमें संतुलन था, उसी सीता को जिसके लिए इतने वर्ष मेहनत करके उसको छुड़ा कर लाए थे उन्होंने त्याग दिया। अर्थात सीता जी स्वयं साक्षात देवी थी तो उनका त्यागने का तो कोई विशेष परिणाम नहीं होने वाला था और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। कारण लोग ऐसी बातें करते हैं जो जन हित के खिलाफ है, क्योंकि उनका आदर्श इसी तरह से ऐसा ना बन जाए कि जिससे लोग अपने यहाँ इस तरह की औरतों को पनपाएं जिन पर की लोग शक करते। हालांकि वो निष्कलंका थी और देवी स्वरूपा स्वच्छ निर्मल थी, उनको त्यागने पर भी फिर सीता जी ने भी उनका एक तरह से त्याग कर दिया। उन्होंने स्त्री जैसे रामचंद्र जी का त्याग किया और श्री राम ने एक पुरुष के जैसे उनका त्याग। सीता जी स्वयं ही पृथ्वी में समा गई और फिर अंत में श्री राम जी ने भी सरयू नदी में अपना देह त्याग किया। इस प्रकार इनका जीवन अत्यंत घटनात्मक और बड़ा चमत्कारपूर्ण है। सारे जीवन में देखिए तो सीता और राम का आपस का व्यवहार और उनका एक दूसरे के प्रति श्रद्धामय रहना। हालांकि उन्होंने सीता जी का त्याग किया था पर सीता जी ने सोचा कि ये उनका परम कर्तव्य है और उन्होंने कभी उनकी बुराई नहीं, उनके बारे में कभी बुरा नहीं कहा और बड़ी सुगमता से अपने बच्चों को चलाया, उनको पनपाया और उनको बढ़ावा दिया। इस श्री राम के जो दो बच्चे हुए जिनको हम लव और कुश कहते हैं वो भी एक भक्त स्वरूप कहना चाहिए कि जो संसार में आए उनको हम शिष्य की तरह से देख सकते हैं। ये शिष्य के द्योतक है और हमारे में भी शिष्यत्व की एक शक्ति है जिससे हम किसी के शिष्य हो सकते हैं। शिष्य स्वरूप इन लोगों ने बहुत छोटी उम्र में धनुर्विद्या सीख ली थी और इस छोटेपन में ही उन्होंने रामायण आदि और संगीत पर बहुत ही कुछ प्रावीण्य पाया था। इसका मतलब यह है कि शिष्य को पूरी तरह से अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। यह शिष्य का जो स्वरूप है यह हमारे अंदर भी सबके स्थित है। और माँ जो कि शक्ति थी उसके प्रति वो पूरी तरह से समर्पित थे। उस वक्त श्री राम से भी लड़ने के लिए वो तैयार हो गए क्योंकि अपने माँ के लिए, तो माँ को उन्होंने दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझी और उस माँ ने भी अपने बच्चों को पालना, उनका संवर्धन करना, उनको धर्म में खड़ा करना और उनकी पूरी प्रगति करना एकमेव कर्तव्य किया। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।